Hello guys, this is Sajjad Ahmed. Welcome to my YouTube channel and I am here with the yet another video. And our today's topic is about the passive income, how I earned 10 plus lakh from the one app product. This is my success story. Let's start. अपने प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी में जाने से पहले हम थोड़ा पैसिव इनकम को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में पैसिव इनकम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं कि ये कोई वन टाइम ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप जो है ना सारी ज़िंदगी या कुछ अरसा दराज जो है ना बैठ के खा सकते हैं. सो एज़ आई एम गोइंग टू शेयर माई ऐप सक्सेस स्टोरी विद यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस पैसिव इनकम फिनोमेना वर्क. गाइस, दिस स्टोरी स्टार्ट्स 4 years ago, जब 4 साल पहले मैंने इस ऐप को डिज़ाइन किया था. इसकी तमाम एलिमेंट्स, इसका डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सारे का सारा मैंने खुद डिज़ाइन किया था, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, दैट इज़ माई मेन फील्ड. उसके बाद एक डिवेलपर जो कि उस वक्त मेरा पार्टनर भी था, हम दोनों ने मिलकर इस ऐप को 2 महीनों के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर हमने इसकी डिवेलपमेंट कम्प्लीट की थी. जब हमारे पास ये जो ऐप थी ये तैयार हो गई थी, तो इस ऐप को तैयार करने के बाद अब हमने इसको मार्केट करना था. तो मार्केट करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे. जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था वो था गूगल प्ले स्टोर का. इसका आइकन डिज़ाइन किया, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके बाद इसको अपलोड किया. उसके साथ साथ इसकी मार्केटिंग के ऊपर भी हमने 20,000 से 25,000 रुपीज़ जो थे वो हमने स्पेंड किए थे. तो ये जो ऐप थी ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, हमने इसको 2 से 3 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया था. तकरीबन ये 1 से 2 महीनों के अंदर ही अंदर रैंक हो गई थी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और इसकी जो इनकम थी वो आना हमें स्टार्ट हो गई थी. और इसने जो हमें टोटल गूगल प्ले स्टोर से इनकम दी थी वो थी अबाउट 3 लाख रुपीज़. ये जो ऐप थी ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर तकरीबन 6 से 7 महीने तक चलती रही. इसके बाद जब इसकी जो ग्रोथ थी वो डाउन होना शुरू होगी, तो हमने इसको फ्लिपा के ऊपर सेल कर दिया. जो लोग फ्लिपा को नहीं जानते, हम मैं बताना चाहूँगा कि ये एक सेल और परचेज ऑफ द वेबसाइट्स और ऐप का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप अपने एग्जिस्टिंग और न्यू ऐप्स और वेबसाइट और उसके अलावा भी काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको आप सेल आउट कर सकते हो, जिसके ऊपर बिडिंग वगैरह होती है. फ्लिपा के ऊपर जो इसकी बिडिंग हुई थी वो $1200 हुई थी. सो इस ऐप को हमने रनिंग कंडीशन में $1200 के अंदर सेल आउट कर दिया था. दैट वॉज आवर सेकेंड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इस ऐप को हमने रन किया था और सक्सेसफुली हमने सोल्ड आउट किया था. अब आते हैं तीसरे प्लेटफॉर्म की तरफ. तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो हमने डिस्कवर किया था रिसर्च के थ्रू. हमें उस वक्त इतना ज़्यादा पता नहीं होता था, लेकिन इनवाटो की जो मार्केट थी उसके बारे में हमें पता था कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेल आउट होती हैं. तो उनका एक स्पेसिफिक सेक्शन है अबाउट द कोडिंग, दैट इज़ कॉल्ड कोड कैनियन. तो हमने कोड कैनियन के ऊपर जाके इस ऐप को थोड़ा सा चेंज किया, इसकी स्क्रीन और काफ़ी चीज़ें, लेकिन इसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट थी, जो ओवरऑल कोड था वो तकरीबन सेम था, लेकिन जो इसकी अपीयरेंस थी उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस की थी. और उसके बाद हमने इसको इनवाटो के ऊपर सेल के लिए लगा दिया था, और इसकी जो प्राइस थी वो थी $99. जो लोग यहाँ पे इनवाटो के ऊपर, कोड कैनियन के ऊपर काम करते हैं, उनको पता होगा कि जो भी उनके टैक्सेस हैं दैट इज़ अराउंड 30-35%. सो दे चार्ज यू अबाउट 35% ऑन ईच सेल. सो हमारी जो प्राइस थी उसके अंदर से 35% कट के हर सेल के ऊपर जो रेवेन्यू था वो हमें आता था. और ये जो ऐप थी ये हमने सितंबर 2017 के अंदर इनवाटो के कोड कैनियन के अंदर हमने अपलोड की थी, और इसकी सेल स्टार्ट हो गई थी. और फर्स्ट मंथ थे इसने हमें 50,000 रुपीज़ दिए थे, और अभी तक यहाँ पर 2020 के अंदर जुलाई में हर मंथ इसकी अभी भी 20-25,000 रुपीज़ आ जाते हैं मंथली. दैट इज़ द पैसिव इनकम. अगर आप इसकी सेल्स में जाके देखें तो अभी तक इसने $5,000 जो हैं वो जनरेट किए हुए हैं. अगर हम इसकी टोटल एक्यूमुलेशन करें तो गूगल के ऊपर से हमें 3 लाख रुपए इस ऐप से आए. इसके बाद फ्लिपा के ऊपर से 1,20,000 आए. उस वक्त जो डॉलर था वो 100 रुपीज़ का होता था. जो इनवाटो से अभी तक आ चुके हैं वो अबाउट $5,000 हैं. अगर इसकी हम टोटल एक्यूमुलेशन करें मोर देन 10 लाख्स बनते हैं. लेट मी टेल यू दैट वॉज नॉट ईजी एट ऑल. दैट वॉज ऑल द फ्रूट ऑफ रिसर्च एंड द डीप थिंकिंग. वी ऑल्सो थॉट अबाउट द मार्केटिंग. वी केप्ट अ स्मॉल पोर्शन
फ्रॉम आवर इनकम इन टू द मार्केट, और उसके बाद हमने इन वाटो को डिस्कवर किया, उसके पूरे के पूरे जो प्रेसेस थे HTML के थ्रू, उसके अंदर सारे टैग्स ऐड किए, उसके अंदर इमेजेस ऐड की, और तमाम की तमाम रिसर्च के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है वो टाइम लग गया था। तो जो लोग ये समझते हैं कि पैसिव इनकम जो है ये बस घर बैठे बैठे आ जाती है, एक दफ़ा प्रोडक्ट कर दो तो उसके बाद आना शुरू हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। हमने फर्स्ट 2 मंथ्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, 10 से 12 घंटे हम इसके ऊपर काम करते थे, और उसके बाद जो इसकी अपडेट्स होती थी इन्वर्टो की, उसके ऊपर अपडेट्स देनी पड़ती थी हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, क्योंकि जो यूज़र होता है वो उसके साथ इंट्रैक्ट करता है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन इसका देना चाहिए। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा कम्बिनेशन ट्राई किए थे, और 1 से 2 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया था। हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखी थी, ASO की थी इसकी, उसके बाद हमने मार्केटिंग के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्टडी किया था, और उसके अलावा फ्लिपा के ऊपर जो बिडिंग प्रोसेस था दैट वाज आल्सो वेरी टफ। जो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको रिसर्च करना पड़ता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक सेंड करते हो अपने पेज के ऊपर से। इसके अलावा इन्वर्टो की जैसे मैंने बात की, उसके ऊपर ग्राफिक रिवर है, कोड कैनियन है, उनके अंदर आप जो वन टाइम आइटम जो डिस्प्ले करते हो उसकी जो सेल्स होती हैं, हर सेल्स के ऊपर आपको जो है अपनी एक 35% टैक्स कटने के बाद जो आपको रकम मिलती है वो आपका प्रॉफिट होती है। पैसिव इनकम की काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक सेंड करते हो, उसके अलावा इन्वर्टो की मार्केट है, फ्लिपा है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे अमेजोन के ऊपर जो लोग सेल आउट करते हैं, वो सारी की सारी जो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हैं। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी टाइम टेकिंग ये होती हैं, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देनी होती है, साथ अपडेट्स वगैरह देनी होती है, ये प्रोडक्ट आपको मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट देता रहता है। और अगर आपने दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है तो पैसिव इनकम इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। जो जितने बड़े बिलियनियर्स हैं, जैसे कि अब बिल गेट्स है, वो अपने हाथ से कोई काम वगैरह अभी नहीं करता, तो उसने जो शेयर्स हैं उसके एक कंपनी के अंदर जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो खड़ी की थी, उसके ऊपर उसको इनकम आती है। तो पैसिव इनकम इज़ द सॉलिड फिनोमेना इफ़ यू ट्रूली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द पैसिव इनकम दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। दैट वॉज द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ माई वन ऐप प्रोडक्ट, जिसको हमने फ्लिपा करके और उसके बाद इन्वर्टो के ऊपर और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर थोड़ी सी वेरिएशन करके डाला, और उसके बाद जो थी ये हमारे लिए एक सॉलिड इनकम स्ट्रीम जो थी वो बन गई थी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सॉलिड होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट है उसकी, जो प्रोग्रामिंग है उसकी, जो कंटेंट है वो प्रीमियम रखना चाहिए, ताकि जो बायर है उसको फील ना हो कि ये कोई लेस क्वालिटी का प्रोडक्ट है या इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा ऐप थी जो हमने फ्लिपा के ऊपर, इन्वर्टो के ऊपर जो हमने सेल आउट की थी। दैट वॉज द सक्सेस स्टोरी ऑफ माई वन माइनर ऐप प्रोडक्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड आई विल बी हेयर विद येट अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।